हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं मंत्रालयम टेंपल जा रहा हूँ, जो श्री गुरु राघवेंद्र स्वामी जी का टेंपल है। तो मुझे बहुत दिन से, बहुत साल से मुझे जाने के बहुत मन था वहाँ पे। मतलब वहाँ का जो भगवान का, श्री राघवेंद्र स्वामी जी का जो दर्शन करना था, बहुत साल से मुझे मन था। तो टाइम आ नहीं रहा था, जो इस बार तो मैं सोच लिया तो जाना ही बोल के। तो आज मैं सुबह सुबह 7:30 को निकला। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर का जर्नी है। ये आप देख रहे हैं जो मंत्रालय का एंट्री है, यहाँ पे जो मंदिर आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसका मंदिर के अंदर ऐसे जाता है। यहाँ पे ये मंदिर का आसपास का परिसर है। ये मंदिर का जो सामने का एरिया है, यहाँ पे आपको श्री राघवेंद्र स्वामी जी का अच्छा अच्छा कलाकृति, इसका फोटोज़ और कुछ भगवान का और अलग अलग जगह का मंदिर का जो अच्छे से फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाया है, तो दिखने में तो बहुत सुंदर दिखता है यहाँ पे। तो वो फ़ोटो के नीचे, वो फ़ोटो का क्या तात्पर्य है, क्या कारण है, वो भी लिखा है। वो 3-4 लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पे, तो लोकल लैंग्वेज में आप आराम से पढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा था। एकादशी के दिन यहाँ पे पूजा नहीं करते हैं, यहाँ पे मेन चीज़ है शाम का टाइम में रथोत्सव करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है देखने में। मुझे उस दिन नहीं मिला क्योंकि एकादशी का कारण, वहाँ पे एकादशी के दिन रथोत्सव नहीं करते हैं, लेकिन जो भगवान का दर्शन कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये श्री राघवेंद्र स्वामी जी का वृंदावन है। वृंदावन मतलब इसके अंदर समाधि लिया था श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने। राघवेंद्र स्वामी जी इसके अंदर बैठे हैं, अभी भी उसके अंदर बैठ के भक्तों का कष्ट सुनते हैं और उनको परिहार भी देते हैं बोल के ऐसे मानते हैं। लाइफ में एक बार हर कोई यहाँ पे एक बार आना चाहिए, क्योंकि ऐसा जगह बहुत, मतलब ऐसा जगह में जो आप आएंगे ना, तो आपको थोड़ा एक अच्छा फील, पॉजिटिव फील आएगा, कुछ कुछ एनर्जी मिलेगा यहाँ पे। देखिए आप ये देख रहे हैं, ये जो मेरा पीछे जो काला शिला पत्थर है, इसके अंदर जो है वृंदावन है। इसके अंदर वृंदावन मतलब जो श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने जीवन समाधि लिया है, श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने जीवन समाधि लिया है वृंदावन के अंदर बैठ के। ऐसा माना जाता है कि वो वृंदावन के अंदर श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने अपनी जीवन समाधि लिया है, उसके अंदर बैठ के अभी भी उनका जो समाधि है वो वृंदावन के अंदर है। जब भी कोई भक्त लोग आते हैं, अपना कष्ट उनके सामने बोलते हैं, उसका निवारण करते हैं बोल के अभी भी वहाँ पे रहता है। तो जो भी आता है राघवेंद्र स्वामी जी के पास अपना दुख लेके, उसी वक्त उसको या थोड़ी दिन के बाद उसका जो समस्या का हल उनको मिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और मंदिर का वो, ये मंदिर का जो आसपास राघवेंद्र स्वामी जी का जो शिष्य लोग हैं, उनका भी समाधि है बहुत सारा। वो समाधि को वृंदावन बुलाते हैं।
रात का समय में भी लाइटिंग डाल के बहुत ही अच्छा दिखता है पूरा मंदिर। मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम देख रहा था ये, फर्स्ट टाइम भी आया मैंने, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, वो भी अकेले आया था। मुझे ऐसा अकेलेपन फील नहीं हुआ कि मुझे कहाँ पे जाना है, कहाँ क्या करना है। जब कुछ श्री राघवेंद्र स्वामी जी का दया से सब कुछ अच्छे से हो गया, उनका अच्छे से दर्शन भी हो गया, तो अंदर जाके उनका जो जीवन समाधि लिया है वो वृंदावन में देख के आया, और जो उनका जो प्रसाद है उसको बोलते हैं कि परिमल प्रसाद, वो प्रसाद भी मुझे मिला। तो फिर से मैं जाते वक्त श्री राघवेंद्र स्वामी जी को नमन किया और बोला कि अगर हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली को लेके, जो एक साल के अंदर या उसके बाद, मैं फैमिली को लेके आ जाऊंगा। तो उसके बाद मैं मेरा वापस बेंगलुरु के लिए मेरा प्लान स्टार्ट किया। उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो आगे जा रहा था, तो आगे जाते जाते मुझे एक टेंपल मिला। ये इस्कान टेंपल है, इस्कान फाउंडेशन का। तो वहाँ पे अंदर गया तो बहुत अच्छा टेंपल है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये राधे कृष्ण का टेंपल है इस्कान, बेंगलुरु में भी है, बहुत बड़ा टेंपल इस्कान टेंपल। ये उतना बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन बहुत अच्छा स्ट्रक्चर सब बहुत अच्छा बनाया है, हॉर्स का, रथ का जैसे। तो मैं बेंगलुरु ऑलमोस्ट 7:30 को पहुंच गया था। तो बहुत दिन का मेरा जो मन का आशा था कि मंत्रालय जाऊँ, श्री राघवेंद्र स्वामी जी को मिलूं और उनका दर्शन करूं और वृंदावन को देखूं, बहुत मन था, वो पूरा हो गया था। तो आप लोग भी एक बार आ जाइए यहाँ पे, बहुत अच्छा है। लेकिन आने से पहले आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ जाइए, तो वहाँ पे सडनली आप जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो मंदिर का तरफ से रूम्स जो मिलता है वो सिर्फ ऑनलाइन ही मिलता है, वहाँ पे मिलता है लेकिन इतना भीड़ रहता है कि आपको वहाँ पे जाने के बाद तो मंदिर का जो रूम्स आपको मिलेगा नहीं, पूरा फुल हो चुका होता है। श्री राघवेंद्र स्वामी जी का जो मंदिर ने आपको दिखाया अच्छा लगा, और श्री राघवेंद्र स्वामी जी का जो आशीर्वाद आप लोग को भी मिले। नमस्ते। पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रथाय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। ओम श्री राघवेंद्राय नमः।